25 मार्च से 2 अप्रैल 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की राजकीय यात्रा की गई है। चिली की राजकीय यात्रा पर रहे, इस यात्रा के दौरान उन्हें किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द किंग ऑफ टामिस्लाव से सम्मानित किया गया। तो ये क्रोएशिया देश है जिसने रामनाथ कोविंद को, श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यही सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टामिस्लाव निम्नलिखित में से कौन सा देश किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये क्रोएशिया का है, और क्रोएशिया आप देख सकते हैं कि ये यूरोप का जो है देश है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नंबर पे ये यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि ये एड्रियाटिक सागर है। और इसी के साथ में यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण अमेरिका के, चिली और पेरू और बोलीविया, यहाँ पे देख सकते हैं ये चिली है और ये बोलीविया है। और इसी के साथ में आप यूरोपीय में जो है लगभग दक्षिणी यूरोप में यहाँ पे 6 नंबर ये देखिएगा, यहाँ पे एड्रियाटिक सागर के तट पे क्रोएशिया है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रैबर किटरोविका और प्रधानमंत्री आंद्रे प्लोंकोविक, तो ये वहाँ के क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं कोलिंदा ग्रैबर किटरोविका और वहाँ के प्रधानमंत्री है आंद्रे प्लोंकोविक। तो हो सकता हो पीसीएस की परीक्षाओं में मिलान करने के लिए दे सकते हैं। और इसी के साथ में बोलीविया के राष्ट्रपति जो है वो इवो मोरालेस आइमा है, और चिली के जो राष्ट्रपति हैं वो है सेबेस्टियन पिनेरा। और चिली का थोड़ा सा संसाधन देख लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से वो संपन्न है, तो वहाँ पे तांबे और नाइट्रेट सहित प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। तो तांबा और नाइट्रेट की दृष्टि से चिली संपन्न है, इसलिए भारत के लिहाज से चिली भी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन गए, एक तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया, क्रोएशिया हो गया, या कभी कभी क्रोएशिया की लोकेशन ही पूछ लेते हैं, और अभी 2019 आई है इसमें तो क्रोएशिया की लोकेशन ही उन्होंने पूछ लिया था और दे दिया था मिलान में कि काला सागर है, लेकिन वो काला सागर नहीं था, वो एड्रियाटिक सागर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मलावी में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। अब यहाँ पर यही सवाल ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ में भारत में अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में बैंक के साथ में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की को खोलने के लिए या की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा ये देश मलावी है और मलावी भी अफ्रीकन कंट्री ही है, और ये देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो है ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के ऊपर जो है ये मलावी है 28 नंबर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैप जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है। यहाँ देख सकते हैं जाम्बिया से इसकी सीमा लगती है, इसके उत्तर में तंजानिया है और ये है आपका मोजाम्बिक, और यहाँ से जो है इसकी जो सीमा लग रही है देख सकते हैं कि जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक के साथ में मलावी की सीमा लग रही है, और इधर यहाँ पे जिम्बाब्वे है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आजकल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी परियोजना शुरू की है, और विकल्प दे दिया है स्वच्छता सहयोग, स्वच्छ जीवन, स्वच्छ धारा और संगम। यहाँ पर ये संगम परियोजना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई है, और ये गांधी जी के जो 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती सेलिब्रेशन है उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। और देखिए इसका टारगेट क्या है, अभियान का लक्ष्य है कि देश के हर परिवार को, ध्यान रखिएगा हर परिवार को शौचालय, अब यहाँ पर मान लीजिए विकल्प में बदल दें हर पंचायत को या हर जो है ग्राम सभा को, तो ऐसा नहीं है, देश के हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना, ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन निपटान व्यवस्था, गांव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी को उपलब्ध कराना है। तो देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो संगम पहल शुरू की गई है उसमें एक सैनिटेशन को लेकर के, व्यवस्था को, सफाई को लेकर के, साफ सुथरापन को लेकर के क्या क्या चीजें शामिल है उसमें, शामिल है तो उसमें शौचालय है, पीने की व्यवस्था है, और जो
कचरा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था है वो भी शामिल है, और इसमें ना केवल गांव शामिल है बल्कि वो परिवार को एक इकाई माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने भारी मतों से जीत हासिल की? तो ये जिन्होंने हासिल की है ये है ब्लोदोमीर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की। इसको याद करने के लिए आप थोड़ा समझ लें कि जैसे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उनके नाम से ब्लोदोमीर ओलेक्सेंड्रोविच जेलेंस्की, तो यहाँ से याद किया जा सकता है। और ये किस पार्टी से थे? तो ये थे सर्वेंट ऑफ द पीपुल पार्टी से थे, जो कि यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति हैं, और इनका कार्यकाल 3 जून 2019 से शुरू होगा, शुरू हो चुका है चूंकि आज 4 जून है, और वहां पर भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो कभी कभी पोल्टी के सवाल में ऐसा दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की समानता किस राष्ट्रपति से की जा सकती है कार्यकाल को लेकर के। तो आप जानते होंगे कि भारत में भी 5 साल है, तो वहां पर भी 5 साल है, तो हो सकता हो चूंकि अभी ये लेटेस्ट चर्चा में रहे हैं तो पूछ लें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूक्रेन की जो सीमा है वो रसिया के साथ में लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे भी थोड़ा इजी हो जाता है कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे हैं और व्लादिमीर पोलोजेंस्क जोस्कोविच जो है जेलेंस्की सैंड्रोविच जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यूक्रेन की सीमा रसिया के साथ में लगती है और ये यहाँ पे काला सागर है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में गठित एशियाई चाय गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों के आधार पे ऊंट से दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। तो इसका शुभारंभ चीन के गुइझोउ में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे उत्तर भी देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। यह चाय के व्यापार सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान एवं वैश्विक प्रचार के लिए प्रारंभ किया गया, तो ये भी सही है। और भारतीय चाय संघ, चीन चाय संघ, इंडोनेशिया चाय विपणन संघ इसके सदस्य हैं। तो ये इतने ही नहीं, इसमें तो 3 ही दिया है, इसमें देख सकते हैं कि इस संघ में इंडियन टी एसोसिएशन, इंडोनेशिया टी मार्केटिंग एसोसिएशन, चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन, श्रीलंका टी बोर्ड तथा जापान टी एसोसिएशन शामिल है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही दिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे यही सवाल ऐसे भी बना बन सकता है कि हाल ही में गठित एशियाई चाय गठबंधन में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चाइना भी है, श्रीलंका भी है, जापान भी है, इंडोनेशिया है और प्लस इंडिया है, तो यहाँ पर थोड़ा घुमावती सवाल बन सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 2019 को नोटे ड्रेम कैथेड्रल चर्च में भीषण आग लग गई, जिससे इस चर्च को काफी क्षति पहुंची। यह चर्च किस देश में स्थित है? तो ये नोटे ड्रेम कैथेड्रल चर्च जो है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित था, जहाँ पे आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट के कारण में। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है ये पूछा जा सकता है, ये किस शताब्दी का बना है? तो ये 12वीं शताब्दी में जो है शुरू किया गया था इसका इसको बनाना, और आप देख सकते हैं कि लगभग जाकर के 1345 यानी कि 14वीं शताब्दी के मध्य तक जो है ये निर्माण होता रहा। और चर्च को गौथिक कला की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का नमूना माना जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि गौथिक कला का मतलब ये है कि जैसे अपने इंडिया में मंदिर निर्माण की शैलियां होती हैं नागर, द्रविड़ और वेसर, तो वैसे ही ये यूरोपियन जो है स्थापत्य की विशेषता है। यहाँ पे आप फिगर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जो एकदम त्रिकोणा बना है हुआ है, ये जो है गॉथिक शैली का उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐसे ही कुछ फ्रांस के एफिल टावर में भी आप देखेंगे तो बना हुआ है, तो ऐसे ही पूरे चर्च में जो है ये एकदम जो है शंकु टाइप में जो है ये बने हुए हैं, तो इसी को कहते हैं जो है गॉथिक शैली बोलते हैं, गॉथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसके बाद में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1991 में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था, और प्लस इस कैथेड्रल चर्च को लेडी ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है।